हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडसेड क्लास में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको रोटा कैप्स कैसे ली जाती है, जो कि यहाँ पर मैंने ड्रग यूज़ की है फोराकॉट 200। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सा है, प्लस बस आपको देखनी है कैसे यूज़ करनी है। दोस्तों याद रखिए, ये कैसे यूज़ कर सकते हो आप, मैं आपको बताऊंगा। एक जो रोटा कैप्स जो होता है, इसको सिप्ला कंपनी ने बनाया है, इसीलिए सिप्ला कंपनी का ही आप रोटा कैप्स यूज़ कीजिए। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है दोस्तों, आपको डालनी होती है आहिस्ता से और घुमानी होती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, वो आपका जो होता है ड्रग अंदर गिर जाती है। और याद रखिए दोस्तों, जब गिर जाता है तो एक माउथ पीस होता है, जहां पर आपको माउथ पर लगानी होती है। इस वीडियो में आप देखते हो कि जैसे ही मुंह को लगानी होती है, आपका जो सांस लेना होता है, वो अंदर सांस लेकर आप जमा कर रख सकते हो। और अब और जब आपको ये दिया जाता है, तो आप टर्न करने के बाद जो दवाई गिर जाती है अंदर, आपको ज़ोर से सांस लेनी होती है। जब आप ज़ोर से अंदर खींचोगे मुंह से, तो ये अंदर का जो कैप्सूल होता है, वो बहुत फास्ट रोटेट होगा, घूमेगा, जिसकी वजह से आप जो ड्रग होती है आपके सांस की नलियों में चले जाती है, और जिसके वजह से आपकी खांसी, सूखी खांसी बंद हो जाती है, एलर्जिक कफ बंद हो जाती है, और अस्थमैटिक पेशेंट्स को भी यह काफ़ी इस्तेमाल होता है दोस्तों। लेकिन याद रखिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो होता है, ये आपको जब करते हो, उसके बाद आपको मुँह गार्गल करना होता है, यानी आपका मुँह धोना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब स्टीरॉयड लग जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसका नाम होता है कैंडिडियासिस। ओके, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसीलिए देखकर इस्तेमाल करें। इस डोज़ के लिए कितनी बार लेनी होती है, कभी एक बार, कभी दो बार, डिपेंड करता है कितना सीवियर आपका कफ है, एलर्जिक कफ में, वेट कफ में ये इस्तेमाल नहीं होता है। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में हमारे वीडियोज़ भी शेयर कीजिए दोस्तों।